ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਪੂਜਾ ਗਈ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ? ਸ਼ੈਲ ਸਲੂਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀ ਸਪਾ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਹੈ। अच्छा गांधी नगर है, तो गांधी भी शैल चलता होना है। शैल शील कटते होने वो भी। मैम ये अब क्या है मौसम? रेड लाइट इज फॉर एंटी एजिंग। ओके, ये मास्क जो है वो फेस के ऊपर लगता है? मैम रहने दो, इसकी ऐसे बुद्धि बर्दाश्त नहीं होती, ये लगा के तो वो ड्रामे लगे। इससे लगा वो और एंटी एजिंग। अच्छा, मतलब और जवान लगेगी ये। जवान कोई आपके पास ऐसा ट्रीटमेंट है, मतलब जब ये मुझे गुस्से से देखती है ना सड़ी हुई घूर घूर के, मतलब ये मेरे को देखे तो मुस्कुराती हुई नजर आए मुझे। यार गुस्सा नहीं है लेकिन इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। बस इसको पहना, इसको पहना दे, कुछ भी दिखेगा। टैटू रिमूव हो जाता है? बिल्कुल टैटू रिमूव भी हो जाता है और आसानी से। मेरी तो बड़ी बेइज्जती कर ली। आपके पास में भी टैटू है एम नाम का, मां के लिए लगाया हुआ नाम है। दूसरी माँ ही है। मैम जो अभी ये वीडियो को देख रहा है, हमारी कॉमेडी वीडियो को, अगर वो यहाँ पे आते हैं ये वीडियो देख के, तो उनको क्या ऑफर मिलेगा? आपके लिए 50% 50% सीधा सीधा ऑफ। तो भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैम इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है? बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं। चलो थैंक यू। बिकॉज लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये जो मशीनें वगैरह रखी है इनको कोई साइड इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। लोगों के दिमाग में होगा मेरे को एक सवाल पूछना है, जब किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है कुछ, वो किससे ठीक होती है? लेजर से। बिल्कुल लेजर बीमारी को ठीक करता है, सो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। रंग टंग का बदबू इतनी सोनी का धूल सुनियो, तुसे मेरी इस सहेली की पहचान है? केड़ी? ओए ए ए ए कौन है? ए पूजा है, बुलाया था यहाँ ब्याज। हैं? ए पूजा जी साड़ी ब्याज भी आई ही। ओ यार इसी तो सारे आग दे रहे पाई पाई, एक ये बड़ी ऐश्वर्या रही। और जिसले मैं ब्याह च एंट्री की थी, पहला बूथा में एदा नजर आया, मैं सोचा ये सालियां दे बीच ये फुफड़ के करा। तो मैं गलती करने सी बोली ओड़े फुफड़ दी तुंदी लोड़ ते मिलनिया चे, तू सिथे के करा दे। बाद च पता चले कि फुफड़ दी पूजा ही, एडी एडी ठोडी एने ने बाल मुछा। वैसे एक गल सुना, इन्नी सोहनी की हुई है? किस्मत है ओदी, ब्याह दे बाद के इन्नी सोहनी हुई है। ब्याह दी इन्नी खुशी की उलिया के चेंज हुई है। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਪੂਜਾ ਗਈ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ? ਸ਼ੈਲ ਸਲੂਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀ ਸਪਾ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਹੈ। अच्छा गांधी नगर है, तो उत्थे गांधी भी शैल चलता होना है। शैल शील कटते होने वो भी। कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल जनरल रेट्स नहीं होंगे। जिन्हें अस ब्लीच ऊपर पैसे फूकने हैं ना, ओदे कोला सस्ती ट्रीटमेंट है उसकी। हाँ अगर रेट जेन्यून है घट है फिर ठीक है, क्योंकि जेड़े पिछे त्योहार गए ना, तू मेरी तगड़ी छिल तुआरी दी है, हुन मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही दी है। लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ, तुझे गल सुना, ये शैल सलून एंड मेडी स्पा दे बारे में पहले पता है? सच्ची तुसे पता हा? तुसे दस्या नहीं? ओ पता की है, ओ 28 साल पुराना है गांधी नगर च, तो मी नहीं पता होना, और मैं सोचे था कि तू इत्थे मैं लेके जा रहा है। और एक गल और, उत्थे नवी नवी मशीना भी आई दी है ट्रीटमेंट आस्ते, हाइड्रा फेशियल विद जॉ लाइन शेपिंग, प्रॉपर जॉ लाइन आपकी बन सकती है। और महाराज जिंदे दो दो ठोडियां नहीं होंदियां, डबल चिन होंदी है जदी, वो भी ठीक हो जांदी। मैं तो तुसे पहले ही सुनाया हां, बड़ा शैल है। चल फिर जल्दी चलने हैं शैल सलून एंड मेडी स्पा। फ्रेंड थी उसको ना, वो मूछें आई हुई थी, वो तो ये उससे रिमूव होता है? अच्छा फेशियल हेयर रिमूवल के लिए है। ओके ओके, फेशियल हेयर बॉडी हेयर आपको जहाँ पे। मैम इसकी भी ना हर हफ्ते मूछें आई रहती है। फेशियल हेयर होता है अभी तो पता लगता है। फेशियल हेयर होता है सबको आता है। तुम इतने शायर आई बड़ी अंग्रेजी मारती, फेशियल हेयर होती तो मुछी है जो बुले ऊपर आती है। अच्छा वो इससे रिमूवल होता है? आप पेनलेस हेयर रिमूवल कराइएगा और वैक्सीन से दूर भागने। एक हमारे ट्रीटमेंट है कार्बन ब्लास्ट। कार्बन ब्लास्ट? हाँ जी। अच्छा। जिससे आपकी शक्ल पे बहुत ज्यादा नूर आ जाता है और इट इज रिजुविनेटिंग, रिंकल रिमूवल, पिगमेंटेशन, कुछ भी आपको हटाना है तो ऐसा ग्लो आना चाहिए कि मैं लाइट बंद करूं और रूम चमक जाए। बिल्कुल ऐसे ही ग्लो है और जैसे आप है उससे ज्यादा ही, उससे और ज्यादा आप निकल जाएंगे। मस्करा आ रही मैडम।
तो ये मेरे को सबसे अच्छी पता क्या लगी, ये जो कार्बन ब्लास्ट ट्रीटमेंट बोला मैं, कार्बन ब्लास्ट ठीक है, कार्बन लगा लेना उसके ब्लास्ट करके ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, जीएमसी से करवा लेंगे ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं करना, खाली इसको ब्लास्ट कर दो वाली मशीन, कार्बन ब्लास्ट जो विश के गई ना उसके बाद देखूंगी भी नहीं। बचपन में क्या होता था, हमें कोई मौका शोका निकल जाता था ना यहाँ पे, वो छोटे छोटे मौके नहीं होते हैं, तो हमारे पापा क्या करते थे, वो घोड़े का बाल ले आते थे, बोलते ये लगा लो इससे मौका चल जाएगा, यहाँ जो सिगरेट सिगरेट पीते थे तो उसके ऐश लगा लेते थे, लेकिन अब उसको कराने की कोई जरूरत नहीं है, शिवानी मैम के पास उसका भी इलाज है। मैम ये कौन सी मशीन है? ये हमारी है मोल रिमूवल है, इसमें आपके मौके मोके को इंग्लिश में बोलते हैं मोल, मोल आज हमें ये पता चला, मोल टैग्स जो स्किन से बाहर निकले हुए होते हैं और मतलब जैसे लगता है बस गिर जाएंगे बट स्किन के साथ ही लटके हुए हैं, और मोल्स होते हैं जो अंदर और बाहर स्किन के दोनों होते हैं, काले बिल्कुल होते हैं और साइजेस उनके वेरी करते हैं, हम उनको इजीली आपको निकला कोई मौका शोका? नहीं, आप बस मौका ढूंढते हो ना लड़ाई करने का, इजीली ये मौकों को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर लेते हैं मौका, कोई कोड़े दबा लाने की जरूरत नहीं, सिगरेट लाने से टाइम नहीं है, कोई उसका निशान नहीं रहता, बहुत इजीली। मैम इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है? बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं। चलो थैंक यू, बिकॉज लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये जो मशीनें वगैरह रखी है इनको कोई साइड इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। बॉडी पॉलिश सुनी थी, बॉडी पॉलिशिंग क्या क्या चीजें आ गई हैं? बड़ा कुछ आ गया, कराने वाले बनो बस। आप पॉलिशिंग कराने के बाद स्टीम लीजिएगा और फिर सोना कराइएगा, और सब टेंशन से दूर हो जाएगा, सब टेंशन से दूर हो जाएगा, मुझे यहाँ पे आना चाहिए, सब टेंशन से दूर। तो दिस इज कॉल्ड क्रायोथेरेपी फॉर हेयर एंड इट इज आइस कोल्ड ट्रीटमेंट and one of its kind, so yes it is supposed to be for nice lustrous proteins डालने आपके बालों में, आपके बालों में हम जरूर। अच्छा this is called dipping। ये मैम नेल एक्सटेंशन हो रही है अब? अच्छा इससे भी नवे खरूटे लगा रही है, यहाँ भी लगते हैं नेल एक्सटेंशन, सब नाम भी पता चल गया। आपको डालो उंगली में, उंगली डालो उसके अंदर और आपका सैलर बन जाएगा। नेल एक्सटेंशन